नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि अब समन जो भेजा जाना है एनसीबी की तरफ से, उसमें सारा अली खान, रघुलप्रीत सिंह इनका नाम तो था ही, लेकिन अब श्रद्धा कपूर का नाम भी उसमें शामिल हो गया है। और श्रद्धा कपूर के साथ साथ ये जो तमाम स्टार्स थे, जिसमें रघुलप्रीत का नाम है, जिसमें सारा अली खान का नाम है, ये नाम शुरुआत से ही चर्चा में चल रहे थे। जैसे ही एक बार रिया चक्रवर्ती अंदर पहुंची, जेल के अंदर पहुंची, उसके बाद ये नाम, उससे पहले भी नामों की हल्की फुल्की चर्चा थी, लेकिन उसके बाद ये नाम इस तरह से फ्लोट करने लगे कि रिया चक्रवर्ती ने ही इनका नाम लिया हुआ है। तो दरअसल ये तीन अहम नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर आप बड़े नामों की बात करें, जिनकी सोशल मीडिया में फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जिनके बारे में देश जानता है, जो लीडिंग एक्ट्रेस रह चुकी हैं, चाहे आप रघुलप्रीत सिंह, जो कि 2008-09 के दरमियान साउथ इंडिया से अपना करियर जो है उन्होंने शुरू किया था, टॉलीवुड से, यानी उसके बाद वो यारियां से अपना डेब्यू करती है बॉलीवुड में, और उसके बाद अभी बीते साल उनकी दे दे प्यार दे नाम से एक फिल्म आई थी। सारा अली खान निश्चित तौर पर केदारनाथ से डेब्यू करती है, और उसके बाद उनकी सिम्बा नाम से एक फिल्म आ चुकी है। कार्तिक आर्यन के साथ उनकी एक मूवी आ चुकी है जिसका नाम लव आजकल है। और इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अब किस ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि श्रद्धा कपूर शायद इन तीनों में से सबसे एस्टैब्लिश्ड नाम और सबसे पुराना नाम इन टर्म्स ऑफ की करियर वाइज एक्सपीरियंस किसे सबसे ज़्यादा था। लेकिन श्रद्धा कपूर के नाम की एंट्री कहाँ से होती है? श्रद्धा कपूर के नाम की एंट्री वहाँ से होती है जिस फार्म हाउस, जो सुशांत का फार्म हाउस था निश्चित तौर पर, वहाँ पर एक पार्टी, और उस पार्टी, ये जो पार्टी होनी थी, ये छिछोरे फिल्म जब शुरू होने ही वाली थी, यानी इसका जो लिंक आया है ये मार्च अप्रैल 2019 का आया है, तो ये पार्टी उस वक्त पे हुई थी। और इस पार्टी के बाद आप समझिए कि तकरीबन आज से 1.5 साल पहले के वक्त, और वहाँ पर जब एनसीबी की टीम जाती है, रेड मारती है, तो कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, जिसमें उसके बाद एनसीबी की टीम को ये भी पता चलता है कि ईडी को जो फ़ोन जमा कराए गए थे, उन फोन्स में से एक फ़ोन जो है वो रिया ने अब भी ईडी को जमा नहीं करवाया था। तो एनसीबी को इस बात का खुलासा भी उसी फार्म हाउस से होकर निकलता है, और वहाँ से कुछ ऐसे प्रूफ निकलते हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ पर जो पार्टी हुई थी उसमें भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। और उस पार्टी में क्योंकि श्रद्धा कपूर भी शामिल थी, और श्रद्धा कपूर का नाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, बल्कि जो इसके डीलर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, उनके द्वारा भी श्रद्धा कपूर का नाम लिया जा रहा है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। रिया चक्रवर्ती लगातार जिन नामों का जिक्र कर रही हैं, उन नामों में सबसे पहले आपको पता है रघुलप्रीत सिंह और सारा अली खान का नाम आया था, और उसके बाद अब ये एक और नाम जिसको समन भेजेगी एनसीबी की टीम। यानी अगर और सूत्रों के हवाले से खबर मैं आपको एक और बता दूं, जो बिहाइंड द डोर्स, बैक द डोर्स हमें पता चला है कि इनमें से सारा अली खान और रघुलप्रीत सिंह ने, तो रघुलप्रीत ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि मैं जो है इसके लिए कोई भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, इन्वेस्टिगेशन से गुजरने के लिए तैयार हूँ। सारा अली खान ने, बिहाइंड द डोर्स की खबर है कि एक वकील भी करवा लिया है इस पूरे के पूरे मसले से निकलने के लिए, यानी उनको पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि एनसीबी समन जरूर भेजेगी। और एनसीबी के समन भेजने का मतलब ये होगा कि अगर उसमें जो सवाल किए जाएंगे, पूछताछ जो होगी, उसमें अगर कहीं कुछ टेक्निकल फंसता है, जैसे चैट्स में उनके नाम को लेकर अगर जिक्र है, पेडलर्स के थ्रू उनके नाम को लेकर जिक्र है, ड्रग्स की डीलिंग को लेकर, सिंडिकेट का काम तो नहीं किया जाता था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती, आपको पता है रिया चक्रवर्ती का जो 27A उन पे लगाया गया, उसका मतलब यही होता है कि आप ड्रग्स को सिर्फ यूज़ नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, बल्कि आप इसे आगे भी पहुँचाती हैं। इसके साथ साथ अगर श्रद्धा कपूर, सारा अली खान या रघुलप्रीत सिंह पर भी इस तरह के चार्जेस लगते हैं, या उन्हें भी इस सारी चीज़ों के लिए गिल्टी पाया जाता है, तो फिर कौन जाने कहाँ तक ये शुरुआत हो चुकी है। बस एक नाम से ऐसा लग रहा है जैसे बस एक नाम का सामने आना बाकी था, और उस नाम के सामने आते ही बॉलीवुड का वो जो हम कहते हैं सिल्वर स्क्रीन, वो सिल्वर स्क्रीन लगातार अब उसका जो रंग है वो फीका पड़ता जा रहा है। अब ये नाम जो है वो लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग नाम है, और कुछ नाम अभी ऐसे हैं जिनको हम आपके सामने नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो हमें नाम बताए गए हैं वो बहुत डराने वाले हैं और बॉलीवुड का सच सामने लाने वाले हैं, और कंगना रनौत इस पर लगातार बोलती रही है। लेकिन अब दिलचस्प होगा कि समन भेजने के बाद चीज़ें आगे किस तरह से बढ़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।